चलिए इस वीडियो में देखेंगे हम अर्थव्यवस्था के प्रकार। इकोनॉमीज जो होती है, इकोनॉमी जो होती है वो किसी देश की जो इकोनॉमी है वो उसको हम कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भाग में बांट सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दरअसल पूरे विश्व में जो है जितने भी देश हैं उसमें उनमें मतलब कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जितने भी देश हैं पूरे विश्व में, उन अर्थव्यवस्थाओं को हम तीन कैटेगरी में अभी तक जो क्लासिफिकेशन दिया गया है तो उसके अनुसार हम तीन प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में हम बांट सकते हैं सभी देशों की अर्थव्यवस्था को। पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी, इसी को हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, या फिर इसके दो प्रकार है एक्चुअली, कम्युनिस्ट फॉर्म है एक, है एक सोशलिस्ट फॉर्म है, समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था इसी में आता है। और लास्ट में आता है मिक्स्ड इकोनॉमिक, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था है। देखते हैं आगे चल करके आगे वाली स्लाइड में कि क्या क्या है, इनके फॉर्म क्या क्या है, इनके फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग जो कहते हैं मार्केट अर्थव्यवस्था या फिर बाजार अर्थव्यवस्था भी इसको कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, एक बुक आई थी एडम स्मिथ की, द वेल्थ ऑफ नेशंस, बड़ी फेमस बुक है, आपने सुना होगा शायद इसका नाम, नहीं सुना होगा तो याद कर लीजिएगा। इसको पूछा जाता है एसएससी वगैरह में, काफ़ी पूछा जाता है द वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। तो एडम स्मिथ एक इकोनॉमिस्ट थे, विचारक थे अमेरिका के, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन। तो उनके विचारों की उत्पत्ति यहाँ पे, मतलब कि उनके विचारों के कारण ही इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। इस किताब में एक फेमस थ्योरी थी जिसको कहते हैं हम लोग अद्वैत सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल हैंड, ये एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। मैंने यहाँ पे इसलिए दे दिया ताकि कहीं क्वेश्चन में आए, दिखे कहीं पे, तो आप इसको कनेक्ट कर सकें इस चीज़ से, ठीक है। अब समझते हैं मेन चीज़ कि पूंजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सॉरी, मतलब कि होता क्या है, कहते हैं किसको कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं हमने देखी तीन प्रकार की, ठीक है, उनमें दो ही चीजों का, दो ही चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया है, दो ही चीजों का बस अंतर है। एक एक है कि उत्पादन, ठीक है, उत्पादन, ये उत्पादन और वितरण, ठीक है। कुछ भी उत्पादन होगा, जैसे आप कुछ भी बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं आप कोई ब्रेड बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, फोन्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो एक तो हुआ कि उत्पादन हो गया, और उसका वितरण, उसका वितरण किस प्रकार करे, कौन वितरण करेगा, इन दोनों चीज़ों को लेकर के अर्थव्यवस्था को हम बांटते हैं, ठीक है। तो ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी वस्तुएं उत्पादित होगी या सेवाएं उत्पादित होगी, वस्तु और सेवा, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस समझ लीजिए, जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वे समझिए। वस्तु आपको पता है, आपने कुछ भी बनाया, पेन बनाया, मोबाइल बनाया, ठीक है, ये सारे वस्तुएं होगी जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में जो है, भौतिक रूप में। सेवाएं वही हो गई कि जैसे कि कुछ आपने डीटीएच घर में लगाया हुआ है, आपने तो डीटीएच घर में लगाया हुआ है आपने, तो आपको कोई सामान तो आकर नहीं दे रहा है, वो अपनी सर्विस दे रहा है आपको। छोड़िए छोड़िए, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर में टीवी है, तो ऐसा हुआ कि आपके घर की टीवी खराब हो गई, ठीक है, टीवी टेक्निकल उसमें कोई फॉल्ट आ गया। अब मैकेनिक आया उसको बनाने वाला, या उसकी दुकान शॉप पे ले गए, उसने क्या किया कि उसने उसमें कोई सामान नहीं लगाया, ठीक है, उसने कोई सामान नहीं लगाया, कुछ होगा मैकेनिक उसमें टेक्निकल फॉल्ट, उसने उसको देखा और वो ठीक करके आपको दे दिया। अब चूंकि सामान तो उसने कुछ भी नहीं लगाया उसमें, फिर भी उसने पैसे लिए, तो उसने पैसे किस बात के लिए, पैसे उसने अपनी सर्विस के लिए, क्योंकि उसने आपको अपनी सर्विस दी, उसने आपको अपनी आपकी टी उसने आपकी जो टीवी है उसको आपको ठीक करके दिया, मतलब कि उसने कुछ समय दिया, अपनी सर्विस दी आपको, और आपने उस सर्विस के लिए उसको भुगतान किया पैसे के रूप में, ठीक है। तो जो वस्तुएं होंगी और सेवाएं होंगी, इनका जो उत्पादन है वो कैसे होगा, इसको जो डिसाइड करेगा वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, यानी उस देश में जितनी भी कंपनियां होगी वो, यहाँ पे सरकार कुछ नहीं करेगी। हाँ, नियमन को छोड़कर, नियमन मतलब रेगुलेशन, उसके नियम कानून हमेशा सरकार बनाती है, अर्थव्यवस्था कोई भी हो, ठीक है। तो
वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन होता है ये निजी क्षेत्र के हाथ में होता है, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें सरकार की कोई भी आर्थिक भूमिका नहीं होती। अर्थव्यवस्था में किन उत्पादों का उत्पादन करना है, कितना करना है और उसे कितने में बेचना है, ये सारी चीजें निजी क्षेत्र और बाजार, ठीक है, उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वही वस्तुएं उत्पादित की जाती है जिसको कि अच्छी कीमत पर बेचा जा सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है सारी चीजें। ठीक है, अर्थात जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन लोगों की आवश्यकता के अनुसार ना हो करके व्यक्ति की क्रय क्षमता, खरीदने की क्षमता के आधार पर होता है। मतलब कि अगर अगर लोग आईफोन खरीद सकते हैं, आईफोन खरीदने की क्षमता है, ठीक है, और लेकिन वहां पे डिमांड ब्रेड की ज्यादा है, रोटी लोगों को नहीं मिल रही, लेकिन आईफोन लोग खरीद सकते हैं, तो बाजार क्या करेगी, आईफोन बनाएगी, भले ही लोग भूखे मर जाए। समझ रहे हैं इस चीज को? यहाँ पे कोई कल्याण वाला कंसेप्ट नहीं है। कल्याण का कंसेप्ट तब होता जब चीजें सरकार के हाथ में होती। ठीक है, तो बाजार में जिसकी मांग अधिक होगी, जिसकी कीमत अच्छी मिल सकती है, उत्पादन उन्हीं चीजों का होगा अर्थव्यवस्था में, मतलब कि कंपनियां उन्हीं चीजों को बनाएंगी। ठीक है, यहाँ पे संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, मतलब कि अगर आपने किसी एक आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, आपके ज्यादा शेयर से, तो कंपनी, ठीक है, आप कंपनी के मालिक हैं। आपने किसी एक लैंड का टुकड़ा खरीदा, एक जमीन का टुकड़ा आपने खरीदा, ठीक है, तो ये जमीन आपकी होगी। आप देखेंगे अभी आगे चल करके कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये वाला कंसेप्ट नहीं होता है। ठीक है, भारत में भी ऐसी चीजें हैं, आपने कार खरीदी तो कार आपकी है। ठीक है, हालांकि भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो जिन देशों में है, देखिए सबसे फेमस एग्जाम्पल है आपका अमेरिका, यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये थी आपकी बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी चीजें उत्पादित हो रही है उस कंट्री में, उस देश में, उस पे जो अधिकार होगा, उस पे जो नियंत्रण होगा, वो प्राइवेट सेक्टर का होगा, कंपनियों का होगा, सरकार का नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है राज्य अर्थव्यवस्था, स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी को हम लोग और नामों से भी जानते हैं, जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। कई जगह पे आपको ये दोनों चीजें जो है ना सेम लिखे मिलेंगी। चीजें सारी सेम ही है, लगभग सेम ही है, 99% सेम है, थोड़ा सा का अंतर है, कई एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको डिवाइड करके बतला दिया है यहाँ पे। ठीक है, मैं आप अभी आपको आगे बताऊंगा कि अंतर क्या है इन दोनों में। ये जो राज्य अर्थव्यवस्था का जो उदय हुआ है ना, वो बोल्शेविक क्रांति हुई थी रसिया में, एक USSR में हुई थी, ठीक है, 1917 में, उसके बाद इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, और इसके जो मतलब कि जो जिनके विचारों के कारण ये उत्पन्न हुआ, तो उन व्यक्ति का नाम था कार्ल मार्क्स। ठीक है, मार्क्सिज्म जिसको बोलते हैं आप लोग, सोशलिज्म वगैरह इन्हीं के विचारों की देन है। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट थॉट है ये, उसके कारण यहाँ पे उत्पन्न हुआ है। ये जो अर्थव्यवस्था उत्पन्न हुई है वो पूंजीवाद के विरोध में उत्पन्न हुई है। अब पूंजीवाद का विरोध क्यों, आखिर क्या खराबी थी पूंजीवाद में? तो मैंने अभी आपको बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये नहीं देखा जाता है कि किसी का कल्याण करना है, किसी की मदद करनी है, वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जो चीजें ज्यादा बिकेंगी उसका निर्माण होगा, ठीक है, भले भले ही लोग भूखे मर जाए। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपको ये आईफोन वाला बताया था कि एक एक तरफ आईफोन है, ठीक है, एप्पल एप्पल वाला, ठीक है, सॉरी बहुत गंदा बनाया है, ठीक है, आईफोन मानिए इसे, आप आईफोन मानिए, ठीक है, और एक तरफ ब्रेड बनाना है, लोग गरीब लोगों के लिए ब्रेड बनाना है, दूध चाहिए। ठीक है, अब चूंकि अमीर लोग ही आईफोन को सिर्फ खरीद सकते हैं, अच्छी कीमत मिल रही है कंपनियों को, ठीक है, अब कंपनियां मग्न है सिर्फ आईफोन बनाने में, ये ब्रेड कोई नहीं बना रहा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि गरीब लोगों को क्या मतलब है आईफोन से, उन्हें तो बेसिक नीड से, उनके जो एक मूलभूत जो आवश्यकता है, जो भी आपका, जो आप रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं उस चीज को, भोजन मिल जाए उनको, ठीक है, थोड़ा सा कपड़े मिल जाए, वही बहुत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग भूखे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अमीर हैं, ठीक है, वो खरीद सकते हैं, चूंकि आईफोन अच्छी कीमत मिल रही है, तो कंपनियां बस उसी चीज को बनाती जाएगी बनाती जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो गया ना कि जो लेबर क्लास थे, जो गरीब लोग थे,
उसकी उपेक्षा की गई, उसका उसके उसका कोई ध्यान नहीं रखा गया, ठीक है। ये सिर्फ अमीरों के लिए ये अर्थव्यवस्था थी, ऐसा माना गया था पूंजीवाद के जो विरोध में लोग बोलते थे उनके द्वारा, ठीक है। तो इस चीज के विरोध में आया कि गरीबों का भी किसी अर्थव्यवस्था में ध्यान रखा जाए। तो वैसी जो अर्थव्यवस्था आई वो बोल्शेविक क्रांति के बाद रसिया में आई, वो मार्क्स के विचारों पर आधारित थी और उसको कहा गया स्टेट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये पूंजीवाद के विरोध में आई थी। अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। इसमें क्या होता है कि उत्पादन की सभी गतिविधियों, मतलब कि किसी भी देश या उस अर्थव्यवस्था में क्या बनाना है, कितना बनाना है, और वो जो वस्तु बनी है उसे किस मूल्य पर वितरित करना है या बेचना है, सब सरकार डिसाइड करती है, कोई कंपनी डिसाइड नहीं करेगी यहाँ पे, ठीक है। और हाँ, इसमें लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा महत्व की होगी इस बात को छोड़ करके कि लोग क्या खरीद सकते हैं, क्या अच्छी कीमत लोग दे सकते हैं। मतलब कि अगर आईफोन की कीमत अच्छी है, कंपनियों को इससे फायदा हो रहा है, लेकिन लोगों की डिमांड ब्रिड की है, तो इस अर्थव्यवस्था में पहले इस चीज को बनाया जाएगा, पहले ब्रिड को बनाया जाएगा, मतलब कि जो लोगों की जरूरतें हैं पहले उस पर फोकस की जाती है, ठीक है। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में या स्टेट इकोनॉमी में, जो भी राज्य अर्थव्यवस्था है, में उत्पादन व वितरण लोगों की आवश्यकताओं तथा उनके हितों के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं, उनके मतलब कि खरीदने की शक्ति के आधार पर नहीं, जैसा कि अभी उल्टा हो रहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या था कि जो भी चीजें बना रही थी वो कंपनी बना रही थी और डिसाइड भी कर रही थी कि उसको कितने में बेचना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, यहाँ पे जो अप्रोच हो जाएगा ना सरकार का, वो कल्याणकारी होगा। जब सरकार बनाएगी तो वो लोगों के कल्याण पे ज्यादा फोकस करेगी, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि किस मूल पर वितरित करना है। अब 100 रुपये, जैसे अभी गैस का मतलब कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 800 रुपये की भी एक गैस सिलेंडर आती है, लेकिन आपको मिलती है ये शायद 500 या 600 रुपये में, ठीक है। तो मतलब कि और भी कम कॉस्ट में आपको सरकार देती है, मतलब कि सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये इसलिए करती है ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी खरीद सकें इस गैस को, ठीक है। तो यहाँ पे कल्याणकारी जो कंसेप्ट है अर्थव्यवस्था का, वो यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार लोगों के उत्पादन की जाएगी यहाँ पे वस्तुएं, ठीक। यहाँ पे बाजार की शक्ति, मांग एवं पूर्ति, प्रतियोगिता, कंपटीशन जो होता है, अभी देखेंगे इस चीज को आगे हम लोग, ठीक है। वैसे तत्व जो है अनुपस्थित होते हैं, जैसे कि मांग पूर्ति, मैंने अभी आपको उस पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी चीज की मांग बढ़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, ठीक है। वहीं आपूर्ति घट गई या आपूर्ति बहुत ज्यादा होगी तो कीमतें घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं ये देखिए आप लिखा हुआ कि ये सब चीजें जो है यहाँ पे नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। मतलब कि अगर 500 रुपये गैस सिलेंडर मिल रहा है और अचानक से 1 लाख लोग और गैस सिलेंडर लेने वाले हो जाए, तो यहाँ पे दाम नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सरकार डिसाइड करेगी, सरकार उस चीज की पूर्ति करेगी, ठीक है। तो ये चीजें होती है यहाँ पे, मांग और पूर्ति वाली चीजें नहीं होती है। हाँ, संपत्ति के ऊपर निजी स्वामित्व की धारणा का कोई संकेत नहीं होता। मतलब कि अगर आपने जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया, ठीक है, कुछ पैसे में, तो वो जमीन आपकी नहीं होगी, आप खरीद ही नहीं सकते उस चीज को। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी होगी सबकी होती है, पूरे मतलब कि सबकी नहीं कह सकते, स्टेट की होती है, राज्य की होती है, ठीक है। जमीन से लेकर के जो भी कंपनी, फैक्ट्री, हर चीज, बस वगैरह, हर चीज जो है वो राज्य की होती है। आपकी अपनी चीजें कुछ भी नहीं होगी वहां पे, ठीक है। आपको सारी चीजें राज्य की तरफ से मिलेंगी और सबको समान रूप से मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी खूबसूरती है समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो देखिए अब इस तरह से इस चीज को समझिए कि सबको समान अवसर मिल रहा है, सबको समान सुविधाएं मिल रही है, तो यहाँ क्या गरीब अमीर का जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वो होगा, नहीं होता यहाँ पे। और होता भी है तो बहुत कम खाई होती है दोनों के बीच में, बहुत कम अंतर होता है, ठीक है। इस तरह से देश देख लेते हैं जहां ये अर्थव्यवस्था है,
चीन में है, रूस में है, क्यूबा में है, यहाँ जो है स्टेट इकोनॉमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस तरह की चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि समाजवादी और साम्यवादी, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिज्म में थोड़ा सा अंतर है, बाकी 99% दोनों चीजें सेम है, बस एक चीज का अंतर है, वो है श्रम को लेकर के, लेबर को लेकर के। ठीक है, देखिए सोशलिज्म का जो सबसे मुख्य उदाहरण है जो किसी कंट्री में है, तो उसका है रसिया, रूस में है। ठीक है, रूस एक सोशलिस्ट कंट्री है, जबकि जो कम्युनिस्ट है साम्यवादी वो चाइना में है, ये वाला वो चीन में ज्यादा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है अभी, ये वाली चीन में। ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, देखिए समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है जो सोवियत संघ में है, उसमें क्या है कि आपकी कोई भी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कुछ भी आपका नहीं है, ठीक है, सब कुछ सरकार का है, सिवाय आपके श्रम के। ठीक है, आपकी जो मेहनत है वो आपकी है। ठीक है, आप 3 घंटे मेहनत कर रहे हैं, तो अगर 1 घंटे का कॉस्ट 100 रुपया है, 100 रुपया मिलता है, तो आपको 3 घंटे का वहां पे 300 रुपये मिलेंगे, वहीं आपने 5 घंटे मेहनत की तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। मतलब कि आपका जो मेहनत है वो आप जिस हिसाब से चाहे, अगर आपका मन नहीं हुआ कि मुझे मेहनत नहीं करना तो आप मत कीजिए, आपकी मर्जी। मतलब कि श्रम पे अधिकार, आपका जो श्रम है, मेहनत है, वो उस पर अधिकार आपका है, ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन जो साम्यवादी प्रारूप है इसका, स्टेट इकोनॉमी का, समाज साम्यवादी अर्थव्यवस्था है कम्युनिस्ट जो चीन में है, वहां पे क्या है कि आपके अपने मेहनत पे, आपके अपने श्रम पे भी कोई अधिकार नहीं है, ये श्रम भी सरकार की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपने 3 घंटे मेहनत की, ठीक है, तो आपको 300 रुपये मिले, सामने वाला हो सकता है 1 घंटे मेहनत करे उसको भी 300 रुपये मिले, या आपने 5 घंटे इसकी जगह मेहनत कर दी तो भी 300 रुपये हो सकता है आपको मिलेंगे। मतलब कि जो सरकार डिसाइड करेगी आपके श्रम का मूल्य वही होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपकी कुछ भी नहीं, मतलब कि आपका, सोचिए, आपका श्रम भी आपका नहीं है, आपका लेबर, मतलब कि आपकी मेहनत भी आपकी नहीं है, ये है साम्यवादी प्रारूप। साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है कम्युनिस्ट, ये एक हिंसक फॉर्म कहा जाता है किसी भी आर्थिक प्रारूप का, ठीक है, एक वायलेंट फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो ये है। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट जो है आपकी, वो है अर्थव्यवस्था के एक नया प्रकार, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी हमने देखा, उसके बाद राज्य अर्थव्यवस्था हमने देखा, समाजवादी, और लास्ट हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब दोनों, देखिए दोनों अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ी थोड़ी खराबी थी। पहली अर्थव्यवस्था में क्या थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि उसमें गरीबों का ध्यान नहीं रखा गया, वो पूंजीवादियों के हित में थी। जबकि जो नई अर्थव्यवस्था आई थी उसके बाद, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था, हालांकि उसमें तो लोगों को लग रहा होगा कि भाई उसमें क्या खराबी हो सकती है, गरीबों का इतना ध्यान दिया जाता था उसमें, ठीक है, लेकिन होता क्या था ना कि चीजें सरकार की थी, और मतलब कि आप काम करें या ना करें, आपको एक बेसिक जो है आपको उसमें मिलता था सुविधाएं। ठीक है, तो लोग थोड़े से उसमें, मतलब ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता मैं उसके बारे में, उसके भी कुछ खराबी हुई थी, लोग मतलब कि थोड़े आलसी हो गए थे, ठीक है, रसिया वगैरह में देखा गया था इस चीज को। तो इन जो दोनों अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी और जो समाजवादी, उसकी जो कमियां थी उसको हटा दिया गया, और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के जो गुण थे उसको मिला करके एक नई अर्थव्यवस्था, एक नई आर्थिक प्रणाली बनाएगी, जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो उदय हुआ, इस आर्थिक प्रणाली का, वो 1929 में एक महान मंदी आई थी, एक बहुत बड़ी मतलब कि मंदी आई थी, हजारों कंपनियां डूब गई, सैकड़ों बैंक डूब गए, ठीक है, पूरे विश्व को काफी लॉस हुआ था। तो उस मंदी के बाद, ठीक है, इस आर्थिक प्रणाली का उदय हुआ था, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं, अमेरिका में आई थी ये, ठीक है। एक अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है, उनके विचारों पर आधारित थी, उन्हीं के विचारों की उत्पत्ति का परिणाम माना जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आर्थिक संसाधन होते हैं उस पर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों का जो है स्वामित्व होता है। अभी हमने एक तरफा देखा, पूंजीवादी में सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्रों के पास होता है सारी चीजें, सारे नियंत्रण, और जबकि
अभी हमने समाजवादी देखा था, उसमें सिर्फ राज्य का नियंत्रण होता है, लेकिन जो मिश्रित होता है उसमें दोनों को मिला दिया गया और इसमें राज्य और निजी क्षेत्र जो है दोनों का होता है। मतलब कि इस अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, ठीक है, उसका वितरण कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है मतलब कि दोनों क्षेत्र मिलकर लेते हैं, राज्य और सरकार और निजी क्षेत्र दोनों। मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराता है जिसका वह अच्छी तरह से उत्पादन कर सकता है। मतलब कि मार्केट उन्हीं चीजों को बनाएगा जिसका वो अच्छी तरह से बना सकता है। मोबाइल फोन बना सकता है तो वो मोबाइल फोन ही बनाएगा, ठीक है, जबकि सरकार क्या होगी, उन वस्तुओं को उपलब्ध करवाएगी जिसको कि बाजार उपलब्ध करवाने में सामर्थ्य नहीं हो पाता, मतलब कि जिससे कंपनियां उपलब्ध नहीं करवा सकती, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ठीक है। थोड़ी ना आपने कहीं देखा होगा कि मैक्रोमैक्स का स्कूल है या नोकिया का स्कूल है, नहीं होता ना, भारत में नहीं होता, ठीक है। स्कूल सरकार बनाती है, हॉस्पिटल सरकार बना रही है। तो जो चीजें एकदम अच्छे तरीके से निजी क्षेत्र बना सकती है, प्राइवेट सेक्टर वो बनाती है अपना, ठीक है, और जो चीजें निजी क्षेत्र नहीं बना पाती वो राज्य सरकार बनाती है, ठीक है। जैसे कि वही मैंने बताया अभी आपको, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, तो दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं उत्पादन और वितरण में, ठीक है। कुछ आर्थिक क्रियाएं सिर्फ सरकार के नियंत्रण में होती है, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, हालांकि रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन अभी भी रेलवे सरकार के हाथ में, ठीक है, जबकि कुछ निजी क्षेत्र के हाथ में होती है पूरी तरह से, जैसे कि रिलायंस हो गई कंपनी, तो तेल वगैरह जो निकाला जाता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, और बाकी चीज़ें भी है कई सारी, कोई बिजली जैसे हो गया तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, ठीक है। इस पद्धति के कारण जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है प्रशासित मूल्य पद्धति एक टर्म है, याद रख कर लीजिएगा इसको, मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ के बारे में हालांकि, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म जो है वो इसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हुआ है। पूछा जा सकता है आपको कि ये दे दिया जाएगा और बताइए कि ये किस अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। प्रशासित मूल्य पद्धति जो है क्या होता है कि इसमें उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार के द्वारा नहीं बल्कि सरकार के द्वारा होता है, ठीक है, तथा उसके साथ साथ सब्सिडी, सार्वजनिक उत्पादों आदि अवधारणाओं का जन्म हुआ है। जैसे कुछ अवधारणाएं आपको पूछी जा सकती है, बाजार मूल्य पद्धति हो गई, सब्सिडी, सार्वजनिक उत्पाद, पब्लिक गुड्स, मतलब कि जैसे स्ट्रीट लाइट पब्लिक गुड्स में आती है, जो भी चीजें जिसका प्रयोग सब लोग कर सकते हैं, जैसे रेलवे भी है वो पब्लिक गुड्स में आती है, ठीक है। जैसे कि अगर एक मतलब कि गली में लाइट है सरकार के द्वारा लगाएगी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई ज्यादा पैसे वाला है तो वो ज्यादा लाइट लेगा और आपको कम देगा, सब लोग समान तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे जो मतलब कि उत्पाद है उसको बोलते हैं सार्वजनिक उत्पाद, पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो इन अवधारणाओं का जो जन्म हुआ है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। इसका जो है फ्रांस में जो है पहली बार इस अर्थव्यवस्था को मतलब कि अपनाया गया था एक आर्थिक प्रणाली के रूप में, ठीक है, 1940 में, ठीक है। हमारे देश भारत में जो है, ठीक है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस तरह की इकोनॉमी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, ज़रूरत पड़ी तो फिर से मैं एक ट्यूटोरियल भी बना दूंगा डाउट क्लियर करने के लिए, अगर आप कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो एक इस चैनल का जो उद्देश्य है वो है कि लोग समझ पाए, खास करके जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा आप बेशक बोलिए, मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, जिसमें से मैं आपके डाउट्स को जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल तो इतना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इकोनॉमी के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, इस तरह की चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।